शासन चाहे कितने ही वादे करे, शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन की धरातल पर वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। कुछ लोग जो अन्याय सह नहीं पाते तो मजबूरन शासन प्रशासन के खिलाफ खड़े होना पड़ता है ताकि उनकी परेशानी प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके। ऐसा ही एक मामला बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ददिया का सामने आया, जहाँ राजेश कुमार नगी ने आज से परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसकी जानकारी उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को दे दी गई। जनपद सीओ मुर्दाबाद, ददिया सरपंच मुर्दाबाद, जनपद सीओ मुर्दाबाद, ददिया सरपंच मुर्दाबाद, जनपद सीओ मुर्दाबाद। आपका पूरा परिचय जी? ददिया नाम, पूरा नाम राजेश कुमार नंगीने। आप यहाँ क्यों बैठे हो आज? यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमारे मकान का पंचायत द्वारा आया था, पंचायत वाले आए थे मेरे घर पे जी, बोले कि आपकी रसीद डल चुकी है जी, मकान तोड़ो जी और जल्दी से बनाओ, नहीं तो राशि पुनः वापस चल जाएगी। तो मैंने मकान तोड़ा, मकान तोड़ने के बाद में एक राशि निकाला मैंने, एक किस्त की राशि जो डली थी जी, उसके बाद में फाउंडेशन लेवल बन गया मेरा जी, उसके बाद में राशि नहीं डाल रहे हैं। क्यों नहीं डाल रहे? पहले आते जा रहे हैं, 15 दिन बाद डलेगा, महीना भर बाद डलेगा, आज 2 बारिश हो गई। नहीं तो क्यों टलिया रहे हैं? मुझे मालूम नहीं क्या कारण है। आपने इसकी शिकायत कहीं करी नहीं? कलेक्टर, SP, सब जगह मैंने शिकायत कर चुका हूँ, कोई कार्रवाई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं मेरी तरफ। इसलिए आज यहाँ पर आप भूख हड़ताल में बैठे? इसलिए आज यहाँ पर 8 बजे से आकर बैठा हूँ भूख हड़ताल में अपने परिवार। जब तक आपके खाते में राशि नहीं की तब तक यहाँ बैठे रहोगे जी? अभी जनपद से कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं आपसे? कोई नहीं आया जी। तो आपने सरपंच सचिव को बोले नहीं कि मेरे खाते में राशि क्यों नहीं डाल रहे? बात ही नहीं करते वो लोग, तो क्या बोलते हैं, टेढ़ा मुँह करते हैं, बात करो उनसे। तो आपसे कुछ पैसे वैसे मांगे थे क्या? बता दो जो दिया। 2000 रुपये मांगे थे मेरे से पहली किस्त में, घर पे आके लिया था सरपंच ने। 5000 की मांग किया था मैंने, बोला अभी भैया 2000 रख लो, 24000 तो निकले हैं। फिर उसके बाद दूसरी किस्त जो डलेगी उसमें और 3 दे दूंगा आपको, 2000 लेके चले गए थे। कौन, किसने लिया? किरसना मोबे सरपंच। आप घर आए थे कि आप उनके घर? नहीं जी, मेरे घर पे आके ले गए पैसे। अकेले में दिए कि 3-4 लोग के सामने दिए? मेरे घर के परिवार थे, मिस्त्री लोग थे, काम कर रहे थे घर में। चलो, आपका पूरा परिचय? देवेंद्र बुक्चे, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत दे दिया। आपकी ग्राम पंचायत से राजकुमार नगी ने वार्ड नंबर 5 ने आरोप लगाया है कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम आ गया था, प्रथम किस्त डल गई थी, लेकिन सरपंच सचिव ने मेरे से 5000 रुपये मांगे, मैंने 5000 में मात्र 2000 रुपये दिया, 3000 रुपये नहीं दिया, इस वजह से मेरा खाता होल्ड कर दिया गया। यह बात तो गलत है जी, उनका त्रुटिवश, तकनीकी त्रुटिवश के कारण जियोटेक रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जो राशि शासन से 25000 प्रथम किस्त प्राप्त हुई थी उसे शासन के ही खाते में वापस कर दी गई, क्योंकि उसका नाम 2 रूम 50 आवास में होने के कारण वो अभी शासन के दिशा निर्देश या गाइडलाइन के आधार पर अपात्र पाया गया, इसीलिए उसकी राशि वापसी की गई, और ना ही उससे किसी प्रकार से पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा कोई राशि की मांगनी की गई। वह यह आरोप, उसके आरोप निराधार हैं, किसी ने कोई राशि की मांगनी करी है उससे। आज से वो भूख हड़ताल में बैठा है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि मेरा मकान पूरा सरपंच सचिव कहने पर मैंने गिरा दिया था और मेरा कालम तैयार हो गया था, इस बारे में आपका? उसे तो पंचायत द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि आप मकान तोड़िए, लेकिन अभी शासन की जो गाइडलाइन है, अभी OBC 1 रूम 50 आवास चल रहा है, जैसे ही शासन से 2 रूम की गाइडलाइन प्राप्त होगी आवास देने के लिए तो उन्हें शासन का लाभ दिया जाएगा। नहीं तो बोले मेरे पास पंचनामा है, बोले जब मकान तोड़ने के लिए आए थे तो पंचनामा बना था, बोले पंचनामा उनकी सहमति वाला है, जो उन्होंने सहमति दी उसका पंचनामा उन्होंने साइन किया है, संलग्न है हमारे पास वो पंचनामा जी।